अच्छा ये ऐसा है, हमें तो भाई पता ही नहीं था कि भाई गलती से बांग्लादेश में चला गया था। बस ये हमारी आखिरी जर्नी है, ये हमारा देश का बॉर्डर है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग भैया लोग, हमारी एक नई सुबह हो चुकी है डाउटी के रास्ते पे। हम कल रात फंस चुके थे एक जगह पे और फिर हमें कुछ भाई लोग मिले थे यहाँ पे जगह पे। मतलब सोचिए ऐसे वीरान जगह पे जहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे हमें अपने जगह के लोग मिल गए। मेरे घर से कुछ पास के लोग हैं, ठीक है, मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर होंगे उनका घर। तो सोचिए ऐसे वीरान जगह पे मिले, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कितनी भगवान मदद करता है कभी कभी। तो अब ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ भाई जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, भाई कितना सॉलिड व्यू है ये देखिए, भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू है आप देखिए। और आप इतनी धूप देख के सोच रहे होंगे कि हमने उठने में तो भैया बहुत लेट कर दिया। भैया ये अभी 6:15-20 समथिंग ऐसे ही है, और धूप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है यहाँ पे। मतलब धूप बहुत जल्दी निकल आती है ना, इस वजह से बात ये। आपको सामने का व्यू कैसा लग रहा है एक बार हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो बस कुछ देर में निकलते हैं डाबकी, बाय बाय। तो हम आपको बता दें भाई काफ़ी अच्छी रात गई है, मज़ा आया काफ़ी, और जब यूपी के लोग मिल जाते तो अलग ही फील आता है। और अब हम लोग भाई निकल रहे हैं डाबकी की तरफ, निकल चुके हैं। बस ये मेन रोड ही है, इसी रोड के सहारे भाई हम लोग को जाना है डाबकी। यहाँ से 25 किलोमीटर समथिंग बचता है, तो चलिए निकलते हैं भाई और लिफ्ट मांगना शुरू करते हैं। सो फिलहाल हमें लगभग 1.5-2 घंटे बाद लिफ्ट मिली है। भैया आपका क्या नाम है? इंद्रजीत यादव। आप कहाँ से? आप हमें अपनी तरफ के लग रहे हैं। हम बिहार से। अरे आप बिहार में कहाँ से है? दरभंगा जिला। कहाँ से? दरभंगा। अरे दरभंगा, दरभंगा में तो हम लोग गए थे दादा, तो देख रहे हैं भैया आप। तो भैया आप वैसे कहाँ तक छोड़ देंगे आप हम लोग को? हम बॉर्डर तक जा रहे हैं डाउकी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए भैया ये है डाबकी नदी यानी कि रिवर, यही है एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर। तो चलिए अभी हम लगभग पहुंचते हैं और फिर आपसे हम आपको हम दिखाएंगे कैसी नदी है। भाई बहुत ज़्यादा साफ दिख रही थी हमें, तो भाई यहाँ से बहुत साफ दिख रही थी। बस आप कुछ देर और वेट कीजिए, बस पहुँच ही गए लगभग हम। बस तो चलिए भैया हम तो यहाँ पहुँच गए और यहाँ से बिल्कुल पास में है बांग्लादेश बॉर्डर। तो हम सोचे आप क्यों ना हम बांग्लादेश बॉर्डर पहले दिखा दें। तो चलिए भाई पहले बांग्लादेश बॉर्डर चलते हैं और इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर आपको दिखाते हैं चल के। तो हम पहुँच चुके हैं भाई भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ये देखिए। और भाई और हम बता दें आपको, हमने यहाँ पर परमिशन ली हुई है आर्मी वाले सर से, तो और भाई ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते, बिल्कुल थोड़ा सा जाना हम दिखा दे आपको। हमने सोचा ये देखिए लिखा हुआ है इंडिया, यहाँ से इंडिया ख़त्म होता है। भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब यहाँ से हम किसी मतलब किसी दूसरे देश के बॉर्डर पे हैं। और ये देखिए भाई बस हम इस ये हमारी आखिरी जर्नी है, ये हमारा देश का बॉर्डर है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। हेलो भाई, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, यहीं तक हम है। ये देखिए भाई 1275 इंडिया, आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के कि इंडिया का आखिरी बॉर्डर है, ये बिल्कुल छोर है। और भाई अगर आपको कैसा लग रहा है भाई हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि भाई इंडिया और बांग्लादेश ही हमारे देश की शान है। और ये रहा बांग्लादेश का झंडा और ये हमारा इंडिया है, इंडिया है और उस तरफ भाई बांग्लादेश है। हमको भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ये है भाई हमारे देश का झंडा, जय हिंद, ये हमारे देश का झंडा है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भाई बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इंडिया बांग्लादेश। जय हिंद सर। तो देख रहे हैं भाई बहुत अच्छा लगता है जब किसी कोई आर्मी वाले सर से मिला मुलाकात करते हैं, तो भाई बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि मतलब हमारे देश के लिए जो इतना कर रहे हैं सिर्फ यही एक है जो इतना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है यार देश के लिए इतनी, देश की इतनी बड़ी सेवा करना हर किसी के सौभाग्य की बस की बात नहीं है। तो अब यह है कि भाई
निकलते हैं यहाँ से बस कुछ ही देर में। हाँ, आपको कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब भाई निकलते हैं यहाँ से, हम लोग निकल चुके हैं डाबकी रिवर की तरफ। यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर होगा। हाँ, 2-3 किलोमीटर होगा शायद। चलिए निकलते हैं डाबकी रिवर। और पास में था भाई बांग्लादेश, तो हमने सोचा क्यों ना भाई पहले बांग्लादेश चलते हैं फिर वापस हो लेंगे, इसलिए हम लोग भाई पहले बांग्लादेश दिखा दिया आपको, बांग्लादेश बॉर्डर। और अब चलते हैं भाई डाबकी रिवर की तरफ। डाबकी नदी भाई जो कि एशिया की सबसे ज़्यादा साफ और सुथरी नदी मानी गई है। तो चलिए भाई चलते हैं डाबकी रिवर। सो भैया हम लगभग डाबकी रिवर के करीब पहुंच चुके हैं और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू है। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है व्यू एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़े ही मज़े हैं इस व्यू के। तो भैया हम पहुंच चुके हैं अब डाबकी। ये देखिए अब भाई कहते हैं ये पानी भाई बहुत ज़्यादा, इस नदी का पानी साफ है, बहुत ज़्यादा नदी का पानी क्लीन है, मज़ा ही मज़ा है भाई। तो चलिए पास थोड़ा सा पहुंचते हैं और काफ़ी लोग भाई नहा रहे हैं इस नदी में, तो देखते हैं नहाएंगे तो नहीं हम, क्योंकि भाई ऑलरेडी ना देखते हैं बताएंगे जैसा जो भी होगा। ये डिसाइड अभी हमने किया नहीं नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, लेकिन जैसा होगा हम आपको बताते हैं चल के। फिलाउ कुमनो आई एम फ्रॉम डाउके। फिलाउ कुमने यार प्यांग प्यांग यू आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम डाउके। डाउके यस। व्हाट्स योर गुड नेम ब्रो? माय नेम इज एडिसन। व्हाट्स द चार्ज ऑफ बोट? 800। ओ देख रहे भाई ये 800 रुपये चार्ज है भाई एक बोट का। सभी लोग ऐसा लग रहा है तो भाई देख रहे हैं भाई काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। और व्यू देख लो भाई, ये देखिए भाई भाई बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहा है व्यू, बहुत मज़ा आ रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है हमको भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट। ओ ओ भाई ये बांग्लादेश है, वो ये बांग्लादेश है। अच्छा भैया अपने इंडिया में आ जाएं हम। अच्छा ये ऐसा है, हमें तो भाई पता ही नहीं था कि मैं गलती से बांग्लादेश में चला गया था। तो हम आपको बता दें भैया ये जो बोट लगी हुई है इस बोट के उस पार है बांग्लादेश, और गलती से मैं शायद चला गया था तो आर्मी के जो सर है यहाँ पे तुरंत उन्होंने बोला कि ये बांग्लादेश लगता है वो ये इधर इंडिया लगता है। आप बोट के इस तरफ जितना भी आप देख, ये जो बोट लगी हुई है ये भाई बांग्लादेश है, उधर का पार पूरा बांग्लादेश है और ये है इंडिया अपना, ये है अपना इंडिया। तो भाई मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब बांग्लादेश गलती से चला भी गया। अरे वो तो खैर बाई मिस्टेक गया था, कोई बात नहीं। सो ब्रदर आप कहाँ से हैं? पंजाब से। आहा कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया पूरा। और रिवर क्लीन है कि नहीं अभी? नहीं अभी इतनी नहीं, अभी क्लीन नहीं है ना? गंदी है। हाँ अभी गंदी है तो ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा तो भाई देख रहे काफ़ी अच्छा वेव है, देखते हैं और भी लोगों से मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं और पानी में पैर डालते हैं, क्या है यही तो मज़े हैं। ये देखिए जो अभी आप बोट देख रहे थे भाई, ये BSF की बोट है। एक्चुअली अगर कुछ होता है कभी, कुछ अनहोनी होती है, जैसे कोई डूबता है इस नदी में या फिर नाव पलटती है, कुछ भी होता है, तो भाई यहाँ पे जो आर्मी है, यहाँ के जो आर्मी है वो तुरंत जाएंगे और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी। और भाई सच बता रहे हैं यहाँ पे अभी कहते हैं यहाँ का जो पानी क्लीन नहीं है अभी, इतना भी क्लीन नहीं है, क्योंकि अभी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पहाड़ों की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा घुल के आती है इस बारिश में और ये पानी को गंदा कर देती है, इस वजह से अभी ये पानी अभी क्लीन नहीं है इतना। तो कहते हैं कि ये जो पानी जब साफ़ होता है, ये पानी नवंबर या दिसंबर में समथिंग साफ़ होता है, दिसंबर मान लीजिए आप, नवंबर में दिसंबर में इसका पानी साफ़ होता है। हाँ पानी, इसका पानी जो है दिसंबर में साफ़ होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे ही रहेगा पानी फिर साफ, फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे गंदा होना चालू हो जाता है। जब ये पानी साफ़ होता है ना तो आपको 200-300 फीट तक पूरा नीचे क्लीन दिखेगा, बिल्कुल क्लीन, कोई गंदगी नहीं नीचे। आप इतना ये पानी इतना ज़्यादा क्लीन दिखेगा ना कि नीचे के पत्थर भी आपको पूरे दिखेंगे। तो चलिए
अब देखते हैं और भी कुछ दिखाते हैं आपको हम। भाई अपने इंडिया की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा नाव ही नाव लगी हुई हैं। हाँ, तो सब पूरा रास्ता ही घेर रखा है। और उस तरफ मतलब बांग्लादेश की तरफ तो भाई वहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, स्पेस भी यहाँ पे कम है। बात एक ये भी पड़ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों एक बार थोड़ा सा देख लेते जाके दूसरी तरफ। हाँ, दूसरी तरफ देखते हैं जाके, अगर स्पेस मिल जाता है तो थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, आराम से चिल करते हैं। भाई मज़ा तो आएगा, फिर जब चिल होगा तो मज़ा आएगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए देखते हैं, जैसा होता है हम आपको बताते हैं। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा साफ है, आप देख सकते हैं। पिलोंगकुमनो पिलोंगकुमनो, ओ शायद सुन नहीं रही हैं। हाँ, हो सकता है भाई बात नहीं करने का मन हो, क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आता है ना, बात यह भी है। कोई बात नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यतीत करने के बाद आपको ये व्यू कैसा लग रहा है? भाई देखिए हमने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना टाइम व्यतीत किया है, काफ़ी अच्छा लगा हमको ये व्यू। और कुछ हम मैंने आपके लिए ना वाटर शॉट लिए हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो मैं ज़रूर डालूंगा, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता भाई वाटर शॉट कैसे हैं, कैसे आए कैसे नहीं, फिर भी मैं डाल दूंगा, आप उसके लिए दिक्कत ना लीजिए। तो चलिए अब भाई यहाँ से डाउकी से निकलते हैं और कुछ पेट पूजा की जाए। यार सुबह से कुछ नहीं खाया यार, सही से यार सिर्फ दो पैकेट बिस्किट ही तो खाएँ बस, इसमें क्या होता है। तो चलिए भाई निकलते हैं अब भाई, कुछ पेट पूजा की तरफ देखते हैं। तो भैया अब आप देख रहे होंगे कि ये अचानक रात कैसे हो गई, हम बताते हैं। रात ऐसे हो गई कि इन भाई साहब और एक दो भाई लोग और हैं जिनके साथ खूब सारी बातें हुई, बहुत ज़्यादा बातें हुई कि भाई बात करने के बाद पता ही नहीं चला कि रात हो गई। और मैं बता दूँ एक भाई और भाई बहुत ज़्यादा शर्मा रहे, पीछे रह गए, असल बात है उनको मीडिया वीडिया पसंद नहीं है। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन नाथ। और उस भाई का क्या नाम है? उसका उस भाई का नाम है आदेश दास। आदेश भाई का आदेश ये हुआ कि भाई हम खाने का इंतज़ाम करेंगे, आप लोगों को खाने वाने कुछ नहीं। भाई ने बोला, मतलब भाई ने हम लोग का पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। सीरियसली आप यकीन नहीं मानोगे भाई, बहुत खाना पीना रुकने उकने का भी सारी चीज़ का इंतज़ाम किया। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार। पता नहीं भाई सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। भाई पता है बहुत दूर है, शर्मा रहे हैं, पता नहीं सर कोई होगी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, हो सकता है गर्लफ्रेंड मना की होगी क्यों भाई? नहीं। आपकी कितनी, दो तीन? नहीं है मेरा, सिंगल है, सिंगल लौंडा, सिंगल लौंडा है। तो कोई चाहिए? हाँ चाहिए चाहिए, तो इसलिए तो तीन एक ही भी चली जिंदा? दो तीन जिंदा ही चाहिए, मुर्दा क्यों चाहिएगा? देख रहे हो कोई 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 जिंदा चल जिंदा होनी चाहिए बस, है ना, जिंदा ही चाहिए। अरे कोई भी हो यार बन जा यार भाई की गर्लफ्रेंड। तो भाई भाई डाउकी से, डाउकी में कहाँ से हो भाई? हम डाउकी से, वही बाकुर में रहता है। बाकुर, सीधे घर का एड्रेस दे दो। बाकुर नहीं नहीं। तो भाई बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो नाइस टू मीट यू ब्रो। नाइस टू मीट यू। तो अब भाई आप चिंता मत कीजिए, अब हम लोग भी निकलते हैं, सोते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।